वहीं दिल्ली में एक ओर जहां जनता पेयजल संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसके तहत ही मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि दिल्ली में हीट वेव चल रही है, ऐसे में हरियाणा से मिलने वाला पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है, इसकी वजह से कम पानी होने के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कम नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में एलजी को लेकर उन्होंने कहा कि एलजी सिर्फ सभी गलती दिल्ली सरकार पर मढ़ना जानते हैं। पानी की चोरी पर एलजी की पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। दिल्ली में पानी की कंजम्पशन बढ़ गई है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन आज के दिन में जितना पानी दिल्ली को हरियाणा से मिलना चाहिए वो पानी लगातार कम हो रहा है। चाहे वो वजीराबाद बराज पे हो, चाहे वो मुनक कनाल पे हो, जितना पानी हरियाणा को छोड़ना होता है हरियाणा वजीराबाद बराज पर पानी नहीं छोड़ रही है, और हरियाणा मुनक कनाल में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रही है। इसका क्या नतीजा है? इसका नतीजा है कि जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पानी की जरूरत है, हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं, हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया। आप देखिए, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है वजीराबाद के बराज का वाटर लेवल लगातार गिर रहा है, लेकिन हरियाणा की ये साजिश वजीराबाद पे नहीं रुकी। जो मुनक कनाल में दिल्ली में पानी आता है वो अपर यमुना रिवर बोर्ड के फैसले के अनुसार 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में पानी कम आ रहा है। हरियाणा ये झूठ बोल रहा था कि हमने पूरा पानी छोड़ा है, लेकिन उन्होंने जब अपना सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया तो उनके ही कागजों से उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया।